8 अगस्त बांदीपुरा के मंत्री गांव में देर रात 2 बजे भीषण आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक आवासीय घर पूरी तरह नष्ट हो गया। यह घर पूर्व सरपंच मुश्ताक अहमद का था। मुश्ताक अहमद के अनुसार आग सुबह तड़के लगी, जिससे पूरी संपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने भयावह अनुभव को याद करते हुए कहा, सब कुछ राख में बदल गया। मुश्ताक अहमद ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग पर काबू पाने में कामयाब रहे, लेकिन तब तक सारा सामान नष्ट हो चुका था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फुली डैमेज है, पूरा नुकसान है, जो भी था घर में पूरा खत्म हो। तकरीबन डेढ़ बजे से पहले पहले हुआ ये वाला, पौने 2 बजे हमें पता चला। हम सोए थे, अचानक बेदार हो गए, पूरा ये खाकस्तर कर चुका। उम्मीद है उनसे, देखेंगे। पूरा नुकसान हो चुका है। 1:30 बजे के करीब ये वारदात हुआ मुश्ताक अहमद लोन के घर में। इस बेचारे को कुछ कुछ नहीं रह गया, जो सोना वोना वो जो भी ज्यादा था पूरा खत्म हो चुका है। हम इंतजार से इंतजार करते हैं, इसको कुछ मदद मिलना चाहिए भरपूर। इस बेचारे पुलिस का किस तरह से रोल रहा इस बार? बहुत ही अच्छा आ रहा, वो भी पहुंचे, पूरे गांव वालों ने भी रोल दिया अच्छे तरीके से, लेकिन इस बेचारे को कुछ नहीं रह गया। ये बेचारा पूरा नीचे बैठ गया। खुद ही जाए वारदात मौजूद हो, आपने भी देख लिया, सारा फुल डैमेज्ड हाउस है। सिर्फ अयाल बचा पाए हैं, अहले खाना ही बच सके हैं। जायदाद तो सारी तबाह हो गई है, मकान मुकम्मल तौर तबाह हो गया है। मुझे ये देखकर खुशी हो गई कि यहाँ जो मुतल्लिका हुकाम हैं, SHO साहब हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो यहाँ आए थे। और सबसे ज़्यादा खुशी आपकी, आप ही हो जो प्रोजेक्ट करते हो प्रॉब्लम्स को, इस तरह की ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, ट्रेजिडीज़ को। एक किस्म की ट्रेजिडी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बच गए हैं। बाकी जायदाद तो आएगी आएगी, सरकार भी मदद करेगी, शायद सिविल सोसाइटी भी कुछ मदद कर पाए। हम मैं अपनी तरफ से सबों को अपील करता हूं, क्योंकि ये एक फैमिली इन डिस्ट्रेस है इस वक्त, इसे इमदाद की ज़रूरत है, इयानत की ज़रूरत है। इयानत हर तरह से हो, हुकाम से भी मुतालबा करूँगा कि वो दिल खोल कर इनकी मदद करें, इनकी रिहेबिलिटेशन का इंतज़ाम करें फौरी तौर। सर क्योंकि ये इलाका, यहाँ तो सब स्टेशन की डिमांड बहुत पहले से चली आई है और इनको सब स्टेशन मिलने वाला है फायर सर्विसेज का। जो DGC वाइस चेयर पर्सन है कौशल शफीक, वो हाल ही में LG साहब से मिली थी और इन राइटिंग दो चीज़ों की बोनाकोट ब्लॉक के लिए उन्होंने डिमांड की थी, एक रिसीविंग स्टेशन और ATM और ये फायर स्टेशन। तो मुझे लगता है LG साहब ने यस किया है, 2 out of 3 डिमांड्स मुझे लगता है मिल जाएगा। हालांकि देर हुई है, ये बहुत बड़ा इलाका है, पसमानदा इलाका है, यहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नीड्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, प्रॉपर्टी बचाने के लिए, लाइव्स बचाने के लिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। LG साहब अगर खुद भी देख लेते, आज उन तक ही है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं है और हमारी भी बात ज़्यादा सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह की आवाज़ उठाना ही होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। आई विल मेक ए फर्वेंट अपील टू ऑनरेबल LG एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक केयर ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बोनाकोट ब्लॉक, एंड ऑल्सो आई वुड बी ओबलाइज्ड इफ दिस सिंगल केस इज डेल्ट विद केयर एंड कंसर्न।